टीम इंडिया को दो विश्व कप जितवाने वाले भारतीय क्रिकेट के दो नायाब सितारे महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह का कद भारतीय क्रिकेट में हमेशा ही ऊंचा माना जाता रहा है। बता दें आपको कि युवराज सिंह ने जहां भारतीय टीम को दो विश्व कप जिताए, वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को हर ICC टूर्नामेंट का खिताब दिलवाया, साथ ही टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया को नंबर वन बनाया। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह एक दूसरे के बेहद अच्छे दोस्त भी कहे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दफा ऐसा भी हुआ था जब धोनी और युवराज के बीच कड़ी लड़ाई देखने को मिली थी। जबकि भारतीय क्रिकेट में ये दोनों सिर्फ एक बार ही नहीं भिड़े, कई बार भिड़ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि बात साल 2011 की है, जब विश्व कप 2011 शुरू होने वाला था। उस दौरान ये विश्व कप भारत में होना था और भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी लगभग तैयार हो चुके थे, लेकिन सिर्फ एक ही सीरीज पहले सचिन तेंदुलकर के कहने पर महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज को टीम में शामिल। विश्व कप खेलने से पहले भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई थी। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर युवराज सिंह शामिल तो हुए, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। कहा यह जा रहा था कि उनकी धोनी से बहस भी हो गई थी, शायद कप्तानी को लेकर। बड़ी बात यह रही कि युवराज को उस दौरे पर टीम इंडिया का उपकप्तान भी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद युवराज सिंह रुके नहीं। युवराज सिंह की फॉर्म तो उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अब बारी थी विश्व कप 2011 की। विश्व कप 2011 से पहले कहा जाने लगा कि युवराज सिंह सुपर 30s के प्रोबेबल में भी नहीं रहेंगे। ऐसे में सचिन तेंदुलकर के कहने पर युवराज सिंह को टीम में शामिल किया गया। बता दें आपको कि भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से था, जिसमें युवराज की बल्लेबाजी नहीं आई, लेकिन दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बाद युवराज सिंह की प्लेइंग 11 में जगह कन्फर्म हो गई। इसके बाद युवराज सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अपनी टीम को विश्व कप जिता दिया। विश्व कप 2011 के बाद ऐसा लगने लगा कि धोनी युवराज के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। युवराज के पिता योगराज सिंह धोनी के खिलाफ कई तरह के बयान देते हुए नजर आ चुके थे। आपको बता दें कि इसके बाद युवराज सिंह को कैंसर हुआ और वो इलाज के लिए बाहर चले गए। युवराज सिंह के लिए कैंसर से वापस आना आसान नहीं था, लेकिन यूवी ने पूरे तरीके से कोशिश की और अपने दमखम के साथ मैदान पर वापसी की। इसके बाद युवराज के लिए सबसे बड़ा टास्क था टीम में एंट्री पाना। महेंद्र सिंह धोनी ये पहले ही कह चुके थे कि उन्हें टीम में फास्ट और फॉरवर्ड खिलाड़ियों की ज़रूरत है, अगर खिलाड़ी चुस्त नहीं होगा तो उसकी टीम इंडिया में एंट्री नहीं होगी। बस इसके बाद युवराज की एंट्री आसान नहीं लगी। आपको बता दें कि युवराज सिंह जैसे ही प्रदर्शन करके टीम में आने वाले थे, उसके बाद उन्हें 2015 विश्व कप से पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और युवराज का साल 2015 विश्व कप खेलने का सपना पूरे तरीके से टूट गया था। बड़ी बात यह रही कि इसके बाद युवराज के करियर के ग्राफ को डाउन जाने के लिए धोनी को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने ही युवराज को टीम से बाहर किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि 2015 विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार हुई, लेकिन उसके बाद युवराज सिंह को इसलिए भी याद किया गया क्योंकि भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। इसके बाद धोनी और युवराज की लड़ाई सबके सामने आ गई। युवराज सिंह ने बाद में खुद कहा था कि उन्हें टीम मैनेजमेंट ने कई बार टीम से बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि इस मामले में विराट कोहली का नाम भी घसीटा जाता है, लेकिन धोनी और युवराज, जिन्होंने भारतीय टीम को एक के बाद एक न जाने कितने मुकाबले जिताए, इन दोनों के बीच बिकट बात होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। LD न्यूज़ रूम के लिए।